हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टी गुड। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज का एक बहुत ही क्रूशल वीडियो है जिसके अंदर आपको बताएंगे कि अगर आपके मैकबुक के अंदर आपको मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू पावर, या फिर वो चालू नहीं हो रहा है, या फिर इट्स नॉट चार्जिंग, या फिर आपको वॉल्यूम रिलेटेड इशू आ रहा है, तो बिफोर हेडिंग टू द ऑफिशियल सर्विस सेंटर इट्स बेटर टू ट्राई दिस स्टेप्स। इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे हाउ टू रिसेट SMC NVRAM एंड PRAM रिसेट। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं SMC रिसेट। SMC रिसेट से पावर रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। SMC रिसेट करने के लिए हमें सबसे पहले लैपटॉप को शटडाउन करना है और मैकबुक के बिल्ट इन कीबोर्ड पर हमें प्रेस करके रखना है लेफ्ट साइड शिफ्ट कंट्रोल और ऑप्शन बटन, और इन तीनों बटन्स को प्रेस रखते हुए हमें प्रेस करना है पावर बटन। इन चारों बटन्स को आपको तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर आप इन बटन्स को रिलीज कर सकते हो। इस प्रोसेस से आपका SMC रिसेट हो जाएगा। ये प्रोसीजर सारे मैकबुक्स मॉडल फ्रॉम 2009 टू 2017 के लिए सेम है। फॉर 2018 एंड अबव मॉडल्स प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले मैकबुक को टर्न ऑफ करना है और टर्न ऑफ करने के बाद आपको मैकबुक के बिल्ट इन कीबोर्ड पर प्रेस करके रखना है लेफ्ट साइड कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑप्शन और राइट साइड शिफ्ट की। इन तीनों बटन्स को आपको 7 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है और 7 सेकंड्स बाद आपको इन बटन्स को बिना रिलीज किए हुए प्रेस करना है पावर बटन, और इन चारों बटन्स को आपको और 7 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, जिसके बाद आप इन सारे बटन्स को रिलीज कर सकते हो। इस प्रोसेस से आपके 2018 एंड अबव मॉडल्स के मैकबुक का SMC रिसेट हो जाएगा। फिर आप मैकबुक को नॉर्मल टर्न ऑन करके इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं हाउ टू रिसेट NVRAM एंड PRAM। NVRAM एंड PRAM रिसेट करने के लिए आपको सबसे पहले मैक को शट डाउन करना है, और आप जैसे ही मैक को टर्न ऑन करोगे आपको प्रेस करना है ऑप्शन कमांड P एंड R बटन्स। इन चारों बटन्स को आपको साथ में प्रेस करके रखना है तकरीबन 20 सेकंड्स तक। फ्रॉम 2009 टू 2017 मैक मॉडल्स यू कैन रिलीज द बटन आफ्टर यू हियर द सेकेंड स्टार्टअप साउंड, एंड फॉर 2018 एंड अबव मैक यू कैन रिलीज द बटन आफ्टर एप्पल लोगो अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स फॉर द सेकेंड टाइम। इस प्रोसेस से आपका NVRAM एंड PRAM रिसेट हो जाएगा, और ये सारे प्रोसेस सिर्फ इंटेल बेस्ड मैक के लिए एलिजिबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो देखना है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पर। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।